এখানে ডিভিসি কে পিছনে তিন মাস ধরে চেষ্টা করছি বার্তা করা, এখানে যত দোকানদারদের জবরন হটাবার চেষ্টা করছে, এখানে ঘর খালি করার চেষ্টা করছে, যারা রিটায়ার্ড এমপ্লয়ি তাদেরকে টর্চার করছে, কিন্তু তিন মাস ধরে এরা টাইম দিচ্ছে না। তারপর আমরা এখানে নোটিশ দিয়ে, নোটিশ দেওয়ার পর গেট জামের নোটিশ দিয়ে এখানে বসেছিলাম। শান্তিপূর্ণভাবে সকাল থেকে লোকেরা বসেছিল, কিন্তু এরা এসে এখানে মারপিট করলো, লোকের সাথে লাঠিচার্জ করলো, অনেক লোকেরা ঘায়লও আছে এতে। তো জবরন এরা বার্তা না করে লাঠিচার্জ বা ঘায়ল করার চেষ্টা করেছে। পুলিশ কি লাঠিচার্জ করেছে? সিআইএসএফ এখানে লাঠিচার্জ করেছে সবারই উপরে। तानाशाही व्यवस्था है, अंग्रेजों के तरह शासन है। सीआईएसएफ जबरदस्ती हम लोग को बोला, हम लोग को पिछले बार आया, विधायक से रिक्वेस्ट किया, बोला पीछे चलने के लिए। हम लोग गेट जो मेन गेट था उससे हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके बैठे, तकरीबन वही 20 फीट दूर पे जाके बैठे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जबरदस्ती आके बोला आप लोग यहाँ से हटिए, नहीं तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। फायर ब्रिगेड का गाड़ी बुला लिया पानी का छिड़काव करने के लिए। उसके बाद अचानक बाहर से कुछ आदमी आया, डीवीसी का एम्प्लॉय था, हम लोग का लड़का लोग उठ के उन लोग को शांति तरीके से बोलने के लिए गया, भाई देखिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और ये जायज मांग है दुकानदारों, आप लोग हम लोग का समर्थन दीजिए। इसी बात से सीआईएसएफ आके बोला, अरे तुम लोग कहा ऐसे कर रहा, बस लगाया लाठीचार्ज करना चाहता है। और ये सरासर गलत आरोप है, सीआईएसएफ भी पत्थर चलाया, लाठी भी चलाया और पत्थर भी चलाया, और शराब का जो बोतल था वो पीता होगा, कहीं से रखता होगा, शराब का बोतल फेंक के मारा, उसके बाद निकल के बाहर में जो भी लड़का लोग हट गया था उन लोग का गाड़ी तोड़ दिया, मार के सभी का गाड़ी करीब। আমরা এখানকার বিস্তা পেলাম, আমাদের জমিতে ডিভিসি তৈরি হয়েছে, তৈরি হওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে অনেক রকমের বার্তা হয়েছিল, আমাদের বাবা কাকাদের সাথে যারা জমি দিয়েছিলেন, দাদুদের সাথে কি এমনি এমনি তোমাদের রোজগারের সুযোগ দেওয়া হবে, তোমাদের সব রকম সুবিধা দেওয়া হবে, জলের ব্যবস্থা হবে, শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সেই সময় যারা ছিলেন এখানকার যারা অফিসে ছিলেন সেই সময় তাদের ব্যবহার খুবই ভালো ছিল, আমাদের লোকের সাথে সবসময় মিলেমিশে থাকতো। কিন্তু আজকে যারা অফিসে এসছে এরা পুরো তানাশাই এখানে শাসক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, এরা সিআইএসএফের ভরসা। সিআইএসএফকে আগে করে এখানকার মানুষের রোজগার কি করে ভিন করা হবে তার ব্যাপারে ওরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ওদের রাজনীতি নয়, এটা কূটনীতি ওরা নিজেদের দিকে চালাচ্ছে। আজকে সকালে আমরা এখানে নিজেদের দোকানদারগুলো সরাবার জন্য এরা নোটিশ দিয়েছে, বারবার নোটিশ দিচ্ছে, যেটা কি 30 বছর ধরে যেখানে পার্কিং স্পট ছিল, 30 বছর ছিল, নেহরুজি যখন ডেম উদ্ঘাটন করেছিল তখন থেকে ওটা পার্কিং স্পট বানানো ছিল। আজকে ওটাকে বলছে কি ওটাকে পার্কিং লেস করা হবে, ওখানে জিরো পার্কিং ক্ষেত্র বানানো হবে। শুধু একটাই কারণ, সিআইএসএফ চাইছে ওখানে কোনো দোকানদার না থাকে, ওরা যত গাড়ি পার হবে সবার গাড়ির কাছ থেকে অবৈধভাবে পয়সা বসুল করবে। पहले की डीवीसी के थ्रू एक नोटिस दिया गया था कि दुकान सब खाली करने के लिए, ये लोग का यही कहना था कि हम लोग दुकान अगर बंद कर देंगे तो मान लीजिए इन लोग का क्या काम कर, जब ये लोग विस्थापित है यहाँ के, ये लोग जमीन गया है तो बैठ के एक तो सोल्यूशन लेना चाहिए ना। तो ये लोग का यही मांग था कि हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। कितना दुकान है? 50-60 दुकान है। कितना दिन से, कितना साल से दुकान कर रहे हैं? 40 साल से इन लोग दुकानदारी कर रहे हैं, 40 साल इन लोग का दादाजी, इन लोग का पिताजी, और अभी ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोग अभी क्या करेंगे, मतलब पेट में ये लोग लाठी मार रहे हैं ना। इन लोग तो बहुत बड़ा टेररिस्ट नहीं है, पहले 50 साल से जो डीवीसी है तब तो डीवीसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, अभी डीवीसी का क्या नुकसान हो रहा है। इन लोग को आए वक्त इतना परेशान करके रखे हैं, कभी ये तो कभी वो। पहले तो 25 दिसंबर और 1 जनवरी को ही गेट लगाया जाता था, अभी तो हर सैटरडे और संडे को ये लोग गेट लगा के नाकाबंदी कर रहे हैं। ऊपर से पत्थरबाजी, लोगों को ऑफिस में जाने से रोकना के कारण ये लाठीचार्ज हुआ है। वायलेंस, पत्थरबाजी कोई सोल्यूशन नहीं है अपनी बात को रखने का। जब पत्थरबाजी होगा तो दोनों तरफ रिएक्शन होगा। तो उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया था, अनाउंसमेंट भी किए गए थे यहाँ से हटने के लिए, पर वो किसी कारणवश उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये लाठीचार्ज। उन्होंने मैनेजमेंट के स्टाफ पे पत्थरबाजी, गाड़ियों पे पत्थर फेंकना चालू किया, जिसके कारण ये एक्शन।